Hey, what's up everybody, my name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Dapri. आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो यार देखो, कमेंट किए कि डेट्स या देर सवेर तो आ ही जाएंगी, लेकिन उससे पहले अपने को जो तो रिसर्च करके रखनी है कि किस तरीके से और क्या सारी चीज़ें होंगी कमेंट के में, उसको एक बार मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हुआ चलूंगा। आज मैं बात करूंगा कुछ ब्रांचेस की, जिसमें आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ECE की मैं बात करूंगा, इसके अलावा कुछ कॉलेजेस की उनकी भी बात करूंगा जहां पे आप लोअर कैटेगरी तक जा सकते हो। कट ऑफ और सारी चीजें मैं आपको लेफ्ट में दिखाता रहूंगा। साथ ही साथ बता दूं, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और जो भी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं उनको अपने कॉलेज के फ्रेंड्स, मतलब स्कूल के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ कॉमेंट के ही एक फाइनल एग्जाम जो है, एंट्रेंस जो है, वो बच गया है। बाकी लगभग सारी काउंसलिंग की प्रोसेस खत्म होने की कगार पे है, या जोसा वाली जो चल रही है वो भी लगभग कुछ टाइम में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो अगर आप कमेंट के का देखोगे तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा की तरह लेफ्ट में आपको सारी चीजें मैं दिखाता हुआ चलूंगा, जहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लगता हुआ चलेगा। ठीक है भाई, तो अब देखो लेफ्ट में यार मैंने सबसे पहले क्या किया हुआ है कि ISC की मैंने कट ऑफ यहाँ पे लगा रखी है। ये है थर्ड लास्ट ईयर की थर्ड राउंड की जो कट ऑफ, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये मैंने दी हुई है। अगर इसको देने के पीछे मेरा मेजर कारण है कि जिन बच्चों की रैंक इवन 13,000 तक है तो यहाँ पे इनको मिल रहा है CMRIT, और जहां तक CMRIT की मैं बात करूँ तो CMRIT ठीक ठाक कॉलेज है। इसका एवरेज प्लेसमेंट 7 से 8 लाख रुपए का आप मान सकते हैं, और यहाँ पे मतलब मान क्या सकते हैं लगभग है भी इतना, तो यहाँ पे CMRIT एक अच्छा ऑप्शन है। इवन यहाँ पे NIE इंस्टीट्यूट ये भी एक ठीक ठीक कॉलेज है, यहाँ तक आप जा सकते हैं। इवन डॉक्टर अंबेडकर तक भी अगर आप देखोगे तो टॉप 25 कॉलेज में यहाँ पे आप ISC के लिए जा सकते हैं। तो इन कॉलेज की अगर बात करूँ, यहाँ पे प्लेसमेंट आपका लगभग लगभग मेरे हिसाब लगभग लगभग मैं देखता हूँ, अगर स्टैट्स पहले के देख रहा हूँ तो वहाँ पे प्लेसमेंट मिला हुआ है और ठीक ठाक रहा है। अगर मैं बात करता हूँ ECE की, क्योंकि जल्दी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर तक यहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखो यहाँ पे देखोगे आप आर्मी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1500 पे गई हुई, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो दयानंद सागर की अगर आप देखोगे तो 8,000 और 11,000 तक भी अगर आप देखोगे तो BIT बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर आप देखोगे तो कम से कम 11,000 तक कट ऑफ गई, और BIT एक अच्छा कॉलेज है, इसके प्लेसमेंट भी काफी अच्छे हैं। SMBIT भी अगर आप देखोगे, SMBIT भी एक अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे प्लेसमेंट अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे लेना चाहिए ECE में, अगर आपको इन फ्यूचर अगर कंप्यूटर साइंस या कम्युनिकेशन की मतलब CS से रिलेटेड फील्ड में आप जाना चाहते हैं या IT से फील्ड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिया जा सकता है। अगर मैं थोड़ा सा और इस तरफ आ जाता हूँ तो इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको और भी ब्रांचेस दिखेंगी, जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है कि उनको प्लान करना है कि इनिशियली हम लोग किसी लोअर ब्रांच कॉलेज में चले जाते हैं और बाद में हम लोग उसको अपग्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना करियर, और एरोस्पेस में लगभग आप आर्मी में देखोगे तो 8,000 रैंक तक क्लोजिंग यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। बहुत सारे बच्चों का ये है कि किसी तरीके से अच्छे कॉलेज में चला जाए और वहां पे बाद में ब्रांच अपग्रेड किया जाए, तो केमिकल इंजीनियरिंग 12,000 तक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जाकर, और केमिकल इंजीनियरिंग से इन द लॉन्ग रन आप वहां पे एक साल बाद अपग्रेड करने का सोच सकते हैं, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा 12,000 तक गई है। मैकेनिकल में अगर आप देखोगे तो आर्मी की 9,000 तक क्लोज हो गई है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो सिविल इंजीनियरिंग को आप देख सकते हो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप मेहनत करने को तैयार हो और आप चाह रहे हो कि आपकी ब्रांच किसी तरीके से अपग्रेड आप करवा सकते हो, जो कि बहुत ही आसान काम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रांच अपग्रेड करवाने के सपने लिए काफी सारे बच्चे ऑलरेडी वहां पे जाते हैं कि हमारी ब्रांच किसी तरीके से अपग्रेड हो जाए, आपके जो GPA है वो कम से कम 8 से अबव ही मतलब 8.5 से अबव ही होना चाहिए, तभी आपको वहां पे पॉसिबिलिटी कुछ बनेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इस ब्रांच की जो डिमांड है ना वो आर्मी की बहुत ज्यादा है, इसका प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त रहा है आर्मी में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ये वाली जो ब्रांच है ये भी काफी पॉपुलर है आर्मी की, ये भी आप चूज कर सकते हो। अगर आपको देखो रैंक आपकी आ रही है 3 से 4,000 के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, इनिशियली क्या कर लो, ETE ले लो, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है आर्मी की, इसमें आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो। इसमें आप BMS में और रमैया में भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ से अपग्रेड करना मतलब 5,000 वाला बच्चा इतना ऊपर आ सकता है। अगर लेकिन आपकी रैंक काफी ज्यादा है तो वहां से स्ट्रगल करते 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 आप CS तक नहीं ECE तक भी पहुंच जाओगे। तो इस सोच के साथ अपन चल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जाओगे कॉलेज अच्छा चाहिए तो आप उसके लिए इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सजेशन मेरा क्या है, फाइनली सजेशन मेरा ये है कि अगर देखो यार अगर आपको लग रहा हो कि मेहनत कर कर आगे बढ़ सकता हूँ और अगर नहीं भी बढ़ता हूँ तो मैं इस ब्रांच और अगर नहीं भी बढ़ता हूँ और अगर नहीं भी बढ़ रहा हूँ तो मैं इस ब्रांच से खुश रहूंगा और इस ब्रांच को लेकर मैं चल सकता हूँ, इस ब्रांच को लेकर मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली फिर
इस ब्रांच के साथ एक अपग्रेड होने का चांस ले सकते हैं। अदरवाइज आपको लग रहा है कि इस ब्रांच के साथ अगर 4 साल काटने तो नामुमकिन हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा, तो फिर आपको क्या करना है, ब्रांच के अपग्रेड के भरोसे आपको कॉलेज नहीं लेना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, माय नेम इज करण, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।